हे गाइस, वेरी वार्म वेलकम ऑन वेव फॉर यू, जहां पे आपको मिलते हैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स विद लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच इंस्टेड ऑफ अटाफिकेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर एडिशन की बात करें उससे पहले कुछ चीजें हैं वो बता देता हूं मैं आपको। कोई भी वेक्टर है उसका जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम हेड बोलते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम टेल बोलते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप किसी भी वेक्टर को 2D या 3D में किसी भी पॉइंट से उठाकर किसी भी दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हो, लेकिन बेसकते उसकी जो मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहां पे मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मोड ए है और इसका जो एंगल है वो अल्फा है। यहां पर है ये एक्स वाई प्लेन, किसी पॉइंट x1, y1 पर ये अभी स्थित है। मैं इसको इसके स्पेस में कहीं भी उठा के ले जा सकता हूं, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस x1, y1 से इसको x2, y2 पर, यहां पे मेरा पॉइंट है x2, y2, यहां से लेके गया। तो इसको मैंने, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी मैंने ड्रा कर दिया मोड ए, और उसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्सिस से अभी भी अल्फा एंगल पर है। किसी तीसरे पॉइंट पर उठा के लेके गया कि मेरा x3, y3 पॉइंट है, अभी भी मैग्नीट्यूड मोड ए है और इसका एंगल है वो अल्फा है। आप कहीं भी ले जाओ, ये हमेशा वेक्टर ए ही रहना है। ये इसके कभी भी, मतलब इसकी लोकेशन से भी कभी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जब वेक्टर एडिशन की बात करूं तो हमारे पास मूल से बोलूं तो एक ही रूल है, और उस रूल को बोलते हैं हम ट्राइंगल रूल। तो बात कर लेते हैं ट्राइंगल रूल की। तो ट्राइंगल तो समझते हो ना, त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई बद्ध आकृति को हम ट्राइंगल बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं बेटा। तो जब दो वेक्टर्स का सम करना है तो आप लिखिएगा, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और जो इनको मिलाने वाली जो तीसरी भुजा होगी वो इसके नेट रिजल्टेंट को बोल देती है। तो अभी ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये मेरा सी वेक्टर हो गया। सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब दो वेक्टर आपको रेंडमली कहीं भी दिए गए हैं, जैसे ये मेरा ए वेक्टर है किसी एंगल अल्फा पर, दूसरा मेरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, ये किसी दूसरे एंगल अल्फा टू पर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर है। मुझे बोला गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम करना है, तो मैं पहला पॉइंट है उसको ध्यान में रखूंगा कि वेक्टर को इस पोजीशन से उठाकर किसी भी दूसरी पोजीशन पर ले जा सकता हूं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों की हेल्प से एक ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है। दोनों की हेल्प से ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, तो दो भुजाएं तो होगी, और जो तीसरी भुजा आएगी वो दोनों के रिजल्टेंट से आएगी, ठीक है। तो पहला मैंने यहां पर ओरिजिन लिया, इसको बोल दिया ए, ठीक है, ये इसका एंगल अल्फा हो गया। अब जो ट्राइंगल तुम्हें इस प्रकार से बनाना है कि जो पहले का हेड है वो दूसरे के टेल से जुड़ना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, पहले का जो हेड है वो दूसरे के टेल से जुड़ाना है, तो जोड़ना ही तो है, जोड़ना कोई बड़ी चीज है। अब इसको इसी ओरिएंटेशन में रखना है, ओरिएंटेशन का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करवाना है। तो यहां पर इसको लिखो किस एंगल पर, ये मेरा पॉइंट हो गया यहां से किसी अल्फा टू एंगल पर, ये दूसरा ड्रा कर लिया मैंने अल्फा टू एंगल पर। अब जो तीसरा जो वेक्टर होगा वो कहां से, पहले वेक्टर की टेल से शुरू होते हुए दूसरे जो वेक्टर के हेड तक आएगा। ये जो वेक्टर होगा तीसरा वेक्टर, इसको वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये जो तीसरा वेक्टर होगा सी वेक्टर, इसको ही रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दोनों वेक्टर का जो ये डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब यहां से ये एक क्लॉकवाइज फॉर्म होने की कोशिश कर रहा था, यहां से इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल और इसका हेड एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं दो चार, ये आप इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए आप बेटा
इन दैट ट्राइंगल एडिशन रूल अपने वर्ड्स में लिखोगे तो ये ज्यादा फिजिबल रहेगा क्योंकि तुम्हें खुद के कॉन्सेप्ट तुम्हें खुद ही तैयार करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन दे सकता हूँ आपको किस टाइप से आप ऐड करोगे, ठीक है। तो तरीका मैंने बता दिया है आपको कि किसी भी एक वेक्टर है उसकी टेल पर आप फिक्स कर दीजिए और उसके हेड की डायरेक्शन में लेके जाइए। अब दूसरा जो मेरा वेक्टर है उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसके डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेरा वेक्टर ए है। अब इस बार क्या हो गया, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में आ गया, ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है। तो डायरेक्शन हमेशा पॉइंट किसी भी एक एक्सिस से ले लो, ये अल्फा एंगल हो गया, ये अल्फा वन हो गया, ये अल्फा टू हो गया, ठीक। तो अब इन दोनों की हेल्प से मुझे ट्राइंगल बनाना है, तो बनाओ बेटा। ये मैंने पॉइंट ले लिया, ये अल्फा वन एंगल पर है, ठीक है। दूसरा जो वेक्टर है इस पॉइंट पर रखना है, तो इसका पहले एंगल फिक्स करो, ये किसमें अल्फा टू एंगल पर है, तो पहले अल्फा टू एंगल पर लेके गए और यहां से वेक्टर खींच लिया अल्फा टू। अब जो तीसरा वेक्टर होगा इसकी जो डायरेक्शन का अपोज करते हुए, मतलब कि इसकी जो स्वीप जो इसकी जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी। ये जो वेक्टर होगा ना, ये सी वेक्टर, इस सी वेक्टर ही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अभी भी कोई डाउट है ना तो लिख देना कमेंट बॉक्स में, एक वीडियो और बना देंगे ना, क्या ही फर्क पड़ता है। अब इसका जो थोड़ा सा एडवांस रूल है उसको बोलते हैं पैलोग्राम रूल, लेकिन मैं इस रूल को रूल नहीं मानता क्योंकि इसमें भी वही कर रहे हैं जो हमने ट्राइंगल रूल में किया है। कैसे सर, पैलोग्राम रूल तो एक अलग स्पेशल रूल है, एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि आप इस रूल को रूल नहीं मानते, देखते हैं बेटा। तो बेटा पैलोग्राम रो की बात करते हैं। पैलोग्राम रो में बोलते हैं कि आपके पास दो वैक्टर दिए हुए हैं, ये ए वैक्टर, ये दूसरा बी वैक्टर। इसका जो एंगल है वो अल्फा वन है और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसका अल्फा है, अल्फा टू की बात करूं तो वो जीरो डिग्री है। तो इस रूल में हम क्या करते हैं, दोनों के जो टेल है, दोनों वेक्टर्स के टेल को एक जगह पुट कर देते हैं और उनका विदाउट ओरिएंटेशन चेंज किए हुए हम उनको यहां पर ड्रा करते हैं। ये एंगल अल्फा वन हो गया और इसका एंगल, तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, क्योंकि इसका जो ओरिएंटेशन अब भी वैसा ही है और इसका ओरिएंटेशन अब भी वैसा ही है क्योंकि अल्फा वन चेंज नहीं हुआ। अब उसने कहा कि इसकी इन विद द हेल्प ऑफ दीज टू साइड्स ट्राई टू ड्रा ए पैलोग्राम। तो इसके पैरेलल एक साइड यहां पे खींच देता हूं और दूसरी साइड यहां पे खींच देता हूं। छोटा बन रहा है क्या? छोटा है, थोड़ा बड़ा। तो दोनों के टेल को एक जगह रखो, तो ये B वेक्टर हो गया, ये मेरा A वेक्टर हो गया, ठीक है। ये एंगल अल्फा वन है। अब उन्होंने कहा कि इस दो साइड की हेल्प से पूरा एक पैलोग्राम बनाने की कोशिश करो, तो इसके पैरेलल यहां पे ये डायरेक्शन मैंने खींच दी, इस डायरेक्शन में एक साइड ड्रॉ कर दी और इस डायरेक्शन में भी एक साइड ड्रॉ कर दी, ये पैलोग्राम फॉर्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि इन दो जो साइड्स हैं, इन साइड्स का जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल, मैं इसको दूसरे पेन से बना देता हूं यार, ये वाला जो डायगोनल होगा वो ही इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। दोनों का डायगोनल, दोनों साइड्स के जो बीच का डायगोनल है वो रिजल्टेंट हो गया। तो सर आप तो बोल रहे थे कि ये ट्राइंगल रूल ही है, तो है शो करो इसको कैसे ट्राइंगल रूल है। यहां पर मेरा ये ए वैक्टर है, इसके विदाउट ओरिएंटेशन चेंज किए मैंने इसको यहां पर स्टेब्लिश कर दिया, और यदि मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज किए बिना इसको यहां पे रख दूं, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है, ये साइड और ये साइड, दोनों की दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, तो इसको यहां पे रखो, यहां पे रखो, क्या वेक्टर के ओरिएंटेशन में चेंज आएगा कुछ नहीं ना। तो ये मेरा वेक्टर ए है, ये जो मेरा वेक्टर है ये वेक्टर ए है, और यदि मैं इस वाले पोर्शन को हटा दूं, अब इस वाले पोर्शन को हटा दूं, तो क्या ये आपको ट्राइंगल रूल नहीं दिख रहा? ट्राइंगल रूल में हमने क्या कहा था, एक वेक्टर को पकड़िए उसको ड्रा कर लीजिए। अब पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के
टेल को जोड़ते हुए ट्राइंगल की दूसरी साइड का फॉर्मेशन कीजिए, लेकिन वैसे इस प्रोसेस में जो वेक्टर है वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो ओरिएंटेशन तो हमने चेंज किया है क्योंकि ये अभी भी अल्फा एंगल पर है, अल्फा वन एंगल पर है। तो अब इसकी जो इस डायरेक्शन में है ये इसकी जो सीक्वेंस है, तो इसके अपोजिट सीक्वेंस में तीसरी ब्रांच ड्रॉ कीजिए, मतलब पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को मिला दीजिए और जो डायरेक्शन होगी वो टेल टू हेड होगी और जो ये जो वेक्टर फॉर्म होगा वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसकी हेल्प से भी अब जोड़ देख सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एग्जांपल्स लेते हैं हम और भी, ये मेरा ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर का कि ये मेरा बी वेक्टर है, एंगल अल्फा टू एंगल अल्फा वन, ठीक है। तो लिखो, ड्रा करो दोनों के टेल को एक जगह। तो ये मैंने अल्फा वन एंगल पर ड्रॉ कर दिया ए वेक्टर, ये अल्फा टू एंगल पर मैंने बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब विद द हेल्प ऑफ दीज टू साइड्स ट्राई टू ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। तो इसके पैरेलल एक इसके पैरेलल साइड बनाओ, अब इसके पैरेलल साइड बना दो। अब इन दोनों वेक्टर्स की का जो ओरिजिन से जो निकलता हुआ डायगोनल होगा वही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसको और इस पॉइंट से मिला दिए, ये मेरा क्या हो गया आर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसकी भी डायरेक्शन होगी। अब रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसी एंगल अल्फा थ्री पर आ रहा होगा एक्सेक्टली से, लिख दो नेगेटिव इन द डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे के लिए होगा मैग्नीट्यूड हो गया उसका, मान लीजिए सी, तो सी मैग्नीट्यूड हो गया एट द एंगल ऑफ अल्फा थ्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर ही दोगे तुम इसको, और मिलते हैं नए वीडियो में नए लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ। अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी देखेंगे, ठीक है।